हार्दिक स्वागत है जी तुहाडा दुबारा तो प्रोग्राम हीरे पंजाब दे विच ते मैं हैप्पी रणदेव। तो दोस्तों जिवें कि वख-वख कलाकारां नूं असीं तुहाडे रूबरू करदे रहिंदे आ, जिन्हां ने भी कला दे विच कोई योगदान पाया, जिन्हां ने भी कोई मारका मारिया, उन्हां नूं असीं हीरियां नूं लभ-लभ के तुहाडे रूबरू करदे आ। इस लड़ी तहत पिछले दिनी असीं स्वर्गी नरेंद्र बीबा जी की इंटरव्यू तुहाडे रूबरू की, जिन्हों तुसीं बेहद प्यार दिता। उस संगीत प्रेमी साढ़े दोस्त बिंदर भदौड़ जी ने एक होर इंटरव्यू बीबा जी की बड़े प्यार दे नाल सांभ के रखी हुई, जिहड़ी उन्होंने रेडियो जलंधर के उत्ते इंटरव्यू दित्ती सीगी, और बिंदर जी ने उसनू बड़े प्यार दे नाल उस समय दे विच रिकॉर्ड करके सांभिया होया सी। होर रूबरू तुहाडे करदे आ ते आओ देखदे आ बीबा नरेंद्र बीबा जी की यह इंटरव्यू। मैं तेरी अज दी रातियां जे संद नू पहुंचे आ, वे कल चंदड़ी चढ़ के आउणगे, ओ वे लै जासन डोली पा, मैं तेरी मंगिया मिर्जिया, वे साडा लिखिया संजोग खुदा, जिंदे मर्द नी मंगा छड़ दे, ओ वे सिर तड़दी देंदे ला, जे अज ना मोरा खावे कानू बैरे हो। उस्ताद धरके बीबा जी कोई बंदा गायक बन सकता, तुसी बने? हाँ जी। पर उस्तादी उस्ताद धारण करन तो पहला भी बंदे दी कोई अपने मन च प्रेरणा हुंदी है, कुछ परिवार वालों भी हौसला अफजाई हुंदी है जी। तुसी इस संबंध विच कोई अपने बारे जानकारी दिओ कि तुसी इस संगीत वाले पासे किवें आए? इस तरह जी, मेरे पिता जी नूं संगीत का बहुत शौक सी, सुनन दा भी और गाउन दा भी। प्रोफेशन तो नहीं सन, लेकिन जदों कीर्तन हुंदा सी नाल गाउंदे हुंदे सी, और जदों मैं पैदा हुई उन्हां नूं ये शुरू तो बचपन तो ही मेरे तो यह शौक सी भी गुरबाणी पढ़े, गुरबाणी के शब्द गाए। सो मैनू जिन्नी भी लगन लगी है अपने पिता जी तो लगी है, उन्होंने मैनू बहुत उत्साह दिता इस पासे, तो मैं इस पासे तो आई। परिवार दे होर जीआं नूं शौक है? शौक तो बहुत सी जी, वैसे मेरे तीन भरा भी गाँवते ने, मेरे नाल ही गाँवते रहे। मेरी छोटी सिस्टर भी गाँवती सी, उहदी तां डैथ हो चुकी है। मेरे बच्चों भी शौक सी पर प्रोफेशनल नहीं है, वह तो दो इंग्लैंड चले गए ने। बेटी मेरी एम ए इंग्लिश करके वह लैक्चरार फरीदकोट लगी है। लोक गीत आम करके जी दो प्रकार के होंगे, एक लोक गीत होने जिन्हां विच प्यार दीआं गल्लां ने या ईरखा दीआं गल्लां ने, दिल दे हाव भाव ने जी। कुछ लोक गीत ऐसे ने साडे जिहड़े साडियां समाजिक रस्मां नाल जुड़े हुए ने जी। तुसी किहड़े किस्म दा गाणा वधेरे पसंद करदे हो? मैं तकरीबन उह तां माहौल देख के हुंदा जी, विआह ते जाओ विआह दे गीत गाउण नूं जी करदा, नवीं भाभी आवे ते उह भाभीआं दे गीत गाईदे ने, बरात आवे जीजे आउंदे ने उहनां दे गीत गाईदे ने, सो माहौल वेख के गाणा हुंदा। जे माहौल होवे मुंडे दे व्याह दा, हाँ जी, ते घोड़ी गाउणी पए, हाँ जी गाओगे? हाँ जी जरूर, मैं ते घोड़ियां बहुत गाउंदी सी और हुण भी गाउनी आ मैं, और सुणावा तुहानूं घोड़ी? अच्छा जी सुणो।
पिछे जा एक मेरा दोस्त कहन लगा कि मैं नरेंद्र बीबा दे घर गया उत्थे देखिया कंधा दे फोटोआं फोटोआं लगियां इनाम लैण दियां शीटां टंगियां पईआं ट्रॉफियां टंगियां पईआं इहदा मतलब है नरेंद्र बीबा जी तुहानूं बहुत इनाम मिले ने हां जी जरूर जे सारी गिनती नहीं कर सकदे तां मोटे मोटे इनाम किहड़े ने मोटे मोटे वैसे तां जी बहुत ज्यादा ने जिहड़े मतलब मैनूं गोल्ड मैडल भी बहुत मिले ने लेकिन मैनूं नंद लाल नूरपुरी अवार्ड और एम एस रंधावा अवार्ड अपना राष्ट्रपति अवार्ड तकरीबन मैनू अवार्ड बहुत ही ज्यादा जेडे कि मैनू याद भी नहीं है भगत सिंह अवार्ड भी मिले ने जिथे जिथे जाईदा सम्मानित करदे ने अवार्ड सच बीबी प्रकाश कौर अवार्ड भी मैनू मिले जी हाँ जी कोई ऐसा अवार्ड या सम्मान हाँ जी जिहड़ा अजे तक तुहानू नहीं मिलिया पर तुसीं प्राप्त करना चाहुंदे हो मैं जी दो तीन अवार्ड ने जिन्हां दी मैनू चाह है भी ओह जरूर मिले एक तां भाषा विभाग एक साहित अकादमी दिल्ली दा हाँ जी ये दो खास इनाम ने तुसी बाहर भी जाके गाया बाहर ता जी सारे मुल्कां च लंदन बाहरों से इनाम मिले ने हाँ जी बहुत जी अमेरिका तो भी मिले सिंह सभा गुरुद्वारा साउथ हाल तो लंदन तो भी सिंह सभा गुरुद्वारा कनेडा तो भी जिहड़े बाहर वसदे पंजाबी ने हाँ जी ओह किस्सां दे गीत पसंद करदे ने ओह ता जी मतलब अज कल ता बहुत माहौल होर तरह दा हो गया लेकिन जदों मैं हुण भी जावां मेरे को मेरे पुराने गीतां दी ही फरमाइशां करदे ने जो कहते हैं जो पहला कल्चर सी ना उस कल्चर नू हुण दे आर्टिस्टां ने बिगाड़ दिता है हुण भी वो आर्टिस्ट साढ़े जांदे जरूर ने लेकिन वो अच्छा कल्चर सुनना पसंद करते ने माड़े कल्चर नू लाइक नहीं करते जिसे पंजाब दे सभ्याचार दी हाँ जी सभ्याचार तुसी सभ्याचार दा एक अंग सानू पेश कीता सी घोड़ी दे रूप विच हाँ जी हाँ जी वो गल सी मुंडे वालियां दी ठीक है जी ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੇ चन्नण दे ओले ओले
लोक गायक ने शास्त्रीय संगीत सिखिया हो गल बड़ी अजीब लगती है पर बीबा जी शास्त्रीय संगीत की एम ए पास की है। हाँ जी की है जी एम ए पास की है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ तो और मेरे गुरु ने मास्टर हरिदेव जी अच्छा गुराया रेंदे ने ते उन्हां को मैं सारी शिक्षा ली। तुसी इन्नी उच्ची विद्या प्राप्त की है जी शायद मेरी जाच पंजाब दा होर कोई लोक गायक नहीं है जी जिहदे कोल संगीत की इन्नी विद्या हो ते तुसी नौकरी क्यों नहीं की कोई नौकरी मेरे जड़े स्रोते ने मेरे चाहवान मेरे पंजाबी वीर भैन भरा उन्होंने मैंने नौकरी करने वास्ते छड़े ही नहीं डेली कितने ना कितने छड़े ही नहीं जी नौकरी करने में उन्होंने कहा सानू ते गीत ही सुनाई जाओ तो आड़े हुण परिवार सांभिया गया बच्चे शादी हो गई है। हाँ जी शादी करती सारे स्रोते तुहानू काफी सम्मान दिंदे ने पैसे दिंदे ने हाँ जी फिर इन्ना पैसा कित्थे भेज दिओ ये पैसा जी बस जिवें आउंदा ना उस तरह क्योंकि मैं किसी गरीब की बेटी की शादी उत्थे मदद कर दी हाँ दो तीन बच्चे अडोप्ट किए ने जिन्हों की मैं फीसा पे कर दी हाँ अच्छा। मैं पैसे फालतू या अजाई नहीं खर्च कर दी लेखे लाइनी है जो मैं पैसे कमानी है ना क्योंकि बच्चों तो हूँ पैसों की मेरे की जरूरत नहीं हूँ मैं तो समझ लो सोशल वर्कर एक किस्म की समझ लो सोशल वर्क कर रही हूँ। गीत है हथी तोरे सजना भला ਹੱਥੀ ਤੋਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਰੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੋਇਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੀਤ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਰੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀਏ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀਏ ਸੋਹਣੀਏ ਕਹੋ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਓਰ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੁੰਦੀਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫੌਜਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਵੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੇ ਦੇ ਰਾਈਆ ਕੜਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਦੋ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਡੱਬੀ ਕੜਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿੱਚੇ ਰਖਾ ਦੇ ਬਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਪੂਰੇ ਦੀਵਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿੱਚੇ ਰਖਾ ਦੇ ਬਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਪੂਰੇ ਦੀਵਾ ਵੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੇ ਦੇ ਆਰਾਈਆ ਪਛਵਾੜੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ
सुनिया मैला दे पछवाड़े कोई घोड़ा खूब दुड़ा वे सुनिया तमक पवे मेरे मैली मेरा जिया ना तड़पा वे सुनिया तमक पवे मेरे मैली मेरा जिया ना तड़पा वे सिकंदर पूरे दिया राइया मेरी गल सुने ताजा वे सिकंदर पूरे दिया राइया मेरी गल सुने ताजा वे सिकंदर पूरे दिया राइया। दीपा जी तुसी ड्यूट भी बड़े गाए ने। हाँ जी। किड़े किड़े कलाकारा नाल तुसी ज्यादा गाए? ड्यूट तो मैं जी बहुत कलाकारा नाल तीन तो मेरे ब्रदरी जेड़े गाउंदे सी उहनां नाल गाए ने। जग्गा जी दे नाल मिर्जा साहिबा गाया सी उह वैसे भी उहनां नाल बहुत ड्यूट गाए ने। वैसे जे ना गिणन लगी ना तो बहुत कलाकार हो जाते ने गाए ते सब तो पहला मेरा ड्यूट होया सी कि एल अग्निहोत्री दे नाल हुण दोनां दी डैथ हो चुकी है सब तो पहला उहनां नाल ही गीत होए सी ड्यूट। अजकल जे तुसी किहड़े कलाकार नाल ड्यूट गाउणा पसंद करोगे? अजकल तो मैं जी सभ्याचारिक ही प्रोग्राम कर दी है या धार्मिक प्रोग्राम या ड्यूट गाना हूँ मैं छड़ दिते ने। तुसी फिल्मां विच भी गाया? हाँ जी बहुत फिल्मां च गाया नाल ही है तो बहुत टाइम लग जाना है फिल्मां ते अनगिनत ने पर पंजाबी दी सब पंजाबी फिल्मां च गाया। आप भी शायद बनाई हैं फिल्मां? हाँ जी दो फिल्मां बनाई हैं तेरी मेरी एक जिंदरी ते दाज। हाँ जी तुहानू लोक गायकी दे विच वधेरे मानता मिली है जी हुण तुसी गजल भी गाउंदे हो गीत भी गाउंदे हो? हाँ जी सब कुछ गाउंदे। इस गल दा तुहानू कोई हिरख तो नहीं रहा कि मैनू उस पासे वल ज्यादा? नहीं जी वह मैं अपना झस पूरा कर लैनी हां क्योंकि जो किसी ऐसे अपने घर विच बैठे हुए मैं अपना गा के आप ही मन खुश कर लैनी हां पर किते किते स्रोते भी मिल जांदे ने सुनने वाले जिहड़े कहिंदे वी बाजी गजल सुनाओ इस करके अपना वह पूरा विच हुंदा रहिंदा लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा मैं फोक दी ही करदी हां। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਇਹ ਬੀਬਾ ਕੋਈ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਬੀਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੀਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਰੂਦ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੋ ਨੌਕਰ ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੀ ਰਹੀ ਨਾ ਬਾਬਲਾ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੀ ਰਹੀ ਨਾ ਬਾਬਲਾ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੀ ਰਹੀ ਨਾ ਬਾਬਲਾ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੀ ਲਾਦੇ ਕਰਦਾ
हरे हरे काय उते सप भूखा मारदा पचो वीरो वे बापू कल्ला मजा चारदा पचो वीरो वे बापू कल्ला मजा चारदा पचो वीरो वे बापू कल्ला मजा चारदा वागदी रावी दे विच घुमण पमीरिया वागदी रावी दे विच घुमण पमीरिया वरतो वीरो वे पैणा मंगण जंजीरिया वरतो वीरो वे पैणा मंगण जंजीरिया वरतो वीरो वे पैणा मंगण जंजीरिया। सो दर्शकों ये सन पंजाब दे महान गायका श्रीमती नरेंद्र बीबा जी की इंटरव्यू जिहड़ी उन्होंने रेडियो जलंधर वास्ते कीती सी और साढ़े प्यारे दोस्त बिंदर भदौड़ जी ने इसनों बड़े प्यार दे नाल सांभिया होया सी। तो मैं उम्मीद करदा कि बीबा जी की आवाज़ सुन के बीबा जी दीआं गल्लां बातां सुन के तुहानूं बेहद मज़ा आया होएगा। इस तरह होर भी संगीत नाल जुड़े हुए अनमोल खजाने अनमोल हीरे लभ के असीं तुहाडे रूबरू करदे रहांगे। तद तक लई इजाज़त दिओ, सत श्री अकाल।